खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से LOC में सीज फायर का उल्लंघन किया है। पिछले कई दिनों से यह हरकत पाकिस्तान की जारी है। जम्मू कश्मीर के मनकोट और कृष्णा घाटी में पाक की फायरिंग जारी है। इधर एनकाउंटर चल रहा है घाटी के अंदर, उधर सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है। लगातार पाकिस्तान पिछले कई दिनों से यह हिमाकत कर रहा है LOC में, जम्मू कश्मीर के पुंछ के मनकोट और कृष्णा घाटी में पाक की फायरिंग जारी है। अगर मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। आसिफ, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आपसे मैं अपडेट लूंगी, लेकिन मेरे सहयोगी अजय बाछलू मेरे साथ जुड़ेंगे इस पूरे मामले में अपडेट लेकर, उनसे भी मैं जानूंगी क्योंकि वो ग्राउंड जीरो के बेहद करीब है। अजय बताइए, अपडेट दीजिए सबसे पहले। देखिए, आज सुबह करीब 7:30 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर दुस्साहस किया है और पुंछ सेक्टर में फायरिंग की है। पुंछ सेक्टर के मनकोट और कृष्णाटी इलाकों में ये फायरिंग की गई है और काफी हैवी फायरिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। न केवल छोटे हथियार बल्कि मोर्टार शेल से भी भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि भारतीय सेना बराबर का जवाब, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का दे रही है और लगातार ये फायरिंग अभी भी जारी है। मैं वजह जानना चाहती हूं अजय, जो आप अमूमन इस तरह की फायरिंग को बहुत करीब से देखते आए हैं और आगे भी इससे पहले भी आप अपडेट लेते रहे हैं इसको लेकर, मैं ये जानना चाहती हूं कि इस वक्त पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन ऐसी खबर नहीं आ रही थी, अचानक से आज सीज फायर के उल्लंघन की खबर आना, क्योंकि पिछले कई दिन लगातार सीज फायर उल्लंघन हुआ, कुछ दिनों की शांति और आज फिर से खबर, क्या संदेश दे रही है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, पाकिस्तान मंशा कभी ठीक नहीं रही है पाकिस्तान की इन सीज फायर वायलेशंस को लेकर। इन सीज फायर वायलेशंस से न केवल पाकिस्तान की एक मंशा ये भी होती है कि जो ट्रूप्स LOC पर तैनात हैं उन्हें इंगेज किया जाए सीज फायर वायलेशंस में, और जो कृष्णा घाटी और मनकोट के जो सेक्टर हैं वहां से घुसपैठ कराया जाए, एक मंशा तो ये रहती है। और दूसरी मंशा पाकिस्तान की ये भी रहती है कि लगातार कि अग्रिम चौकियों पर किस तरह तैयार है भारत की, उसका एक जायजा लेने की कोशिश ये होती है। और लगातार पाकिस्तान न केवल घुसपैठ करने के इरादे से बल्कि भारत की तैयारी कैसी है, भारत की कहां कहां चौकियां हैं, किस तरह का भारत जवाब देता है, सब जानने के लिए पाकिस्तान इस तरह की फायरिंग करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात अजय बाछलू आपने बताई, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ूंगी आपके साथ अपडेट लेने के लिए। बहुत शुक्रिया, हाल फिलहाल।